सच में यू आर वेरी क्यूट। नहीं 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 क्या बोला तूने अभी? सच में यू आर वेरी क्यूट। यू आर सो क्यूट बोल के भैया जी मारना चाहते हैं। तो क्या हाल चाल है मित्रों? तो आ गया ना तुम्हारा रॉकरेज वापस। तो तुम सबको एक बात बता दूं कि तुम्हारे भाई का आज बर्थडे भी है। तो कौन सा तीर मारा, ऐसा कौन सा एहसान किया दुनिया पर पैदा होकर? तो तुम लोग सोच रहे होंगे कि रॉकरेज कहाँ गायब हो गया था। तो तुम सबको मैं बता दूं कि मैं ना थोड़ा ऐसा काम में बिजी हो गया था ना। सिर्फ थोड़ा क्या हो गया था? थोड़ा मैं काम में ऐसा बिजी हो गया था ना। तो आज हम बात करने वाले सोनू शर्मा के झाट के बाल, हर्षवर्धन के, अरे इसके तो बाल ही नहीं है, चलो छोड़ो। मरना है क्या भोसड़ी के? मरना तेरे को डर नहीं लगता? नहीं। तो आज हम बात करने वाले संदीप महेश्वरी की सुबह के टट्टी ईशान अली के बारे में। तो ईशान अली ये इंसान इतना ज्ञान फैलता है, इतना ज्ञान फैलता है, इतना ज्ञानी बाबा है, इतना मोटिवेशन फैलता है। चलो देखते हैं कितना मोटिवेशन फैलता है। डैडी मैं आईफोन ले आई, देखो। लीजिए बेबी जी। बेटा दुपट्टा ओढ़ के जाया करो। ओ डैड ये मॉडर्न जमाना है, फालतू की बात मत किया करो। अरे दीदी जमाना इतना भी मॉडर्न नहीं होगा कि तुम दुपट्टा ना ओढ़ो और अपने बाप से ऐसे बात करते। फटेले क्वांटम का नतीजा। अरे ये कौन सा बाप है जो बेटी बदतमीजी कर रही है और बाप नीचे मुंडी कर रहा है? अगर ये सच में रियलिटी में होता ना तो वही बाप बेटी के मुंडी मरोड़ कर शादी कर देता। फिर ओढ़ते रहना दुपट्टा। बेबी जी मालिक साहब सही कह रहे हैं। ए नौकर हो नौकर की तरह रहो, वही पुरानी मूवी वाले डायलॉग, नौकर हो नौकर की तरह रहो। अरे कुछ नया करो भोसड़ी वालों। नहीं। अच्छा बेबी जी ये आईफोन पे कवर क्यों लगाया है? अरे बेवकूफ, कवर लगाने से इसकी खूबसूरती में कमी नहीं आई है, बल्कि ये और खूबसूरत हो गया है। कौन मादर जात है जो आईफोन को कवर लगा के घूम रहा है? सलमान खान भोसड़ी वाला है। अबे आईफोन लिया है शो ऑफ करो, खाया हुआ सेब दिखाओ सबको। जिस तरह आईफोन में कवर लगाने से उसकी सुंदरता में कोई कमी नहीं आती, उसी तरह अगर आप दुपट्टा पहनेंगी तो आपकी सुंदरता में कोई कमी नहीं आएगी। देखा भाई ईशान अली का मोटिवेशन, एंड में आके ज्ञान पेली देता है बंदा। लड़की के बाप पे मेरे पैसे आ रहे थे, वो तो मर गए, अब ये मेरे कब्जे में है, जो इसकी ज्यादा कीमत लगाएगा ये लड़की उसकी। अबे सालो वो कोई प्रॉपर्टी है क्या तुम जो उसकी कीमत लगा रहे हो? अरे वो लड़की है। अरे 70 लाख, 70 लाख। जे मालिक साहब जे तो गलत बात है, चुप जा, अच्छी चीज है। आज तो जाने नहीं दूंगा इसको। देख रहे हो चचा को, बुढ़ापे में चमड़ी जाए पर लड़की ना जाए। अरे चचा घर जाके अपने पोता पोती को संभालो, और चाचा तुम ये लड़की के चक्कर में पड़ो मत, नहीं तो चचा रेस्ट इन पीस हो जाओगे। चाहे मैं खुद बिक जाऊं मगर खरीदूंगा मैं ही। अरे देख रहे हो लौंडे को, मतलब चाहे खुद बिक जाए पर खरीदेगा यही लड़की। अरे हगने को संडास नहीं, पिछवाड़ा धोने को पानी नहीं, और तू पत्थर से गांड साफ करने वाला लड़की खरीदेगा? दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, और माल अच्छा हो तो कीमत नहीं देखी जाती। अरे अरे कैसे किया, फिर से एक बार करना। और माल अच्छा हो तो कीमत नहीं देखी जाती। मुझे तो ये जॉनी भैया का स्टूडेंट लग रहा है, मतलब ठूक लगा के कुछ गजब करने की प्लानिंग है। अरे फिर से करना एक बार। Once more. और माल अच्छा हो तो कीमत नहीं देखी जाती। अबे सुन भोसड़ी वाले, तेरा ही थूक बेल्ट पे लगा के तेरे गांड पे इतने बेल्ट मारूंगा, इतने बेल्ट मारूंगा। लड़की तो छोड़, लड़की का नाम भी लेने से डरेगा तू। अरे जीजू अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आइए बैठिए। तो घर में कोई है नहीं? पता नहीं क्यों जीजा जी के इरादे ठीक नहीं लग रहे मुझे। सच में यू आर वेरी क्यूट। नहीं 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 क्या बोला तूने अभी? सच में यू आर वेरी क्यूट। यू आर सो क्यूट बोल के भैया जी मारना चाहते हैं। अरे सॉरी सॉरी भाई, गलती से हो गया, इंसान से ही गलती होती है, ईशान भाई से सीखा है मैंने। ये लो क्लिप, ये लो बेटे, ये चश्मा है बैटरी वाला, अब तुम चश्मिश बनोगी ना। अरे क्या नाम दे रहे हैं आप उसको, बैटरी चश्मिश। और तुम क्या दे रही हो उसको सिवाय इस फोन के? तुम्हें कुछ अंदाजा भी है ये बच्चों के लिए इस फोन की रोशनी कितनी खतरनाक होती है?
मुझे आज पता चला कि मुझे चश्मा क्यों लगा है। थैंक यू ईशान भाई कि मेरी आंखें खोल दी आपने, नहीं तो मैं अंधा हो जाता। ओ मैडम गुलाबी, तेरे को देख के बढ़ गई अपन की बेताबी, तेरी आंखें हैं बड़ी शराबी, क्योंकि तू है एक नंबर का हरामी। हटो सामने से। सुनसान रोड पे तू अकेली जा रही है, पता है ना चोटी बदमाश का एरिया है। चोटी खींच साले की चोटी खींच, वही चोटी खींच के चप्पल से मार साले को। अरे तू बड़ा आया चोटी बदमाश, अरे चोटी बदमाश तेरी गोटी निकाल के तेरे ही मुंह में दे दूंगा मैं। क्या बढ़िया। अरे यार कहाँ इतना बिजी रहता है तू, मेरी ऑनलाइन एक लड़की से दोस्ती हो गई है, बहुत खूबसूरत है यार। तो जाके हिला लेना भाई, मतलब तू दूसरों को क्यों बता रहा है, मतलब तुम लोग ऐसा क्यों करते हो यार, मतलब किसी की बंदी सेट हो जाए या किसी को लड़की मिल जाए, भाई हमें क्यों बताते हो, भाई हम क्या करें, हिलाए घर बैठ के। मैं तो अभी नहा के आई हूँ। बस तुम्हें याद कर रहा हूँ। ये शर्ट उतार दो। तुम भी अपने कपड़े उतारोगी? हाँ। तेरी वीडियो बन गई है। हाँ फंस गया ना, नोटी नोटी लड़की देखी ने, नंगा हो गया साला। अनजान लोगों से कभी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। तुम सबको मैं एक बात बता दूं कि अनजान लोगों से दोस्ती करनी चाहिए, पर उनके सामने नंगा नहीं होना चाहिए। साला ये नंगा हो गया तो हमें भी नंगा करना चाहता है, मतलब अनजान लोगों से दोस्ती करो पर उनके सामने नंगे मत हो, इसके जैसे ईशान भाई जैसे। साहब जे हमारा लला फेल कैसे हो गया, ये तो बहुत मेहनत करता है। नहीं नहीं भाई कैसे किया, फिर से करना। अबे साले मुंह से पाद रहा है क्या। अगर मेहमान घर आए तो बच्चों से पूछते हैं बड़े होके बेटा क्या बनोगे, तो बच्चा कहता है अंकल मुंह से पाद मारूंगा, दिखाओ कैसे मारता हूँ। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? छोटे बड़े सरकार की दरगाह तो पूछ ले कहाँ है। एक्सक्यूज मी लुंगी पजामे वाले भाई साहब जी। हे व्हाट आर यू थिंकिंग, प्लीज फास्ट रिप्लाई। ना ये गांव वाले गवार कहाँ इंग्लिश समझेंगे। भाई मुझे क्या, किसी को भी समझ नहीं आई तेरी इंग्लिश, भाई 30 डेज वाले ऐप से सीखी थी क्या इंग्लिश। ईशान ये क्या है, अबे ये क्या बवाल पहन रखा तूने। अरे हम भी कह रहे क्या बवाल पहन रखा है इसने। ये पहन के जा कहाँ रहा तू। वो पापा आज इसके स्कूल में मदर डे की पार्टी है। अरे ईशान भाई मदर डे की पार्टी के लिए जाने के लिए मम्मी बन गए। अरे भाई गलती से भी पार्टी मत चले जाना, नहीं तो सब लोग ये कहेंगे। बहुत बुरे लग रहे हो, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। ये साड़ी मैंने अपनी खुशी के लिए नहीं पहनी है। भाई ईशान भाई ने तो हमारे खुशी के लिए पहना है। तुम कहीं बाहर गए हो? अफगानिस्तान पाकिस्तान। अब कहाँ जाओगे? डाउन टू फाइट सीधा कब्रिस्तान। अब चिच्चा जाएंगे सीधा कब्रिस्तान। अरे चिच्चा बहुत जिंदगी काट ली आपने, अब आ गया समय रेस्ट इन पीस होने का। अरे ईशान बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अरे ईशान तेरे पास इतनी अच्छी खुशबू कैसे आ रही है? क्या भाईजान तुम भी सबकी तरह मजाक कर रहे हो, मुझे पता है मेरे कपड़ों से बहुत बुरी बदबू आ रही है। अरे हुआ क्या? वो जो अपने मोहल्ले में बहुत खूबसूरत लड़की है ना, उसने मुझे धोखे से अपने घर बुला लिया। उससे बचने के लिए मैंने ये टॉयलेट अपने जिस्म पे लगा लिया। इससे ज्यादा सख्त लौंडा मैंने देखा ही नहीं भाई, लड़की से बचने के लिए शरीर पर गोली पट लिया, मतलब क्या बुरा किया ईशान भाई ने, मतलब ईशान भाई है तो टट्टी, टट्टी ने अपने ऊपर टट्टी लगा ली तो इसमें क्या हो गया। मंडे के बारात के वलीमे के और ईशान अली के ओवर एक्टिंग के। साहब हमारी भांजी स्कूल जाती है स्कूल पढ़न। भाई काश तू भी जाता स्कूल, तो तेरी ये वीडियोस नहीं देखनी पड़ती हमें। हम भी पलेंदे हम भी लिथेंदे। तो भाई ने मेरी बात को सीरियस ले लिया, भाई चले पढ़ने, हम भी पढ़ेंगे हम भी पढ़ेंगे, मतलब कैसे कर लेता यार तू ये सब। अम्मी ये तुम सफाई क्यों कर रही हो? अरे मेरे सर में दर्द हो रहा है, करने दीजिए ना। अरे सर में दर्द हो रहा तो मोबाइल क्यों चला रही है बावड़ी भैंस। हमारा मुर्जी है। देखो बहुत ही देर हो गई है, पेपर छूट जाएगा। तूने अपनी सारी कमाई इसकी पढ़ाई में लगा दी, इससे अच्छा खुद पढ़ लेता, देख लेना पढ़ लिख गए तो तुझे लात मारेगी। अरे माँ तुम आओ ना, चुप रहो, हमका हमारी मेहरारू पे बहुत ही यकीन है, डर बनने के बाद हमको भूलता ना जाओगी तुम। देख लेना मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी। सोनी मैक्स वाले सूर्यवंशम दिखाए जा रहा है दिखाए जा रहा है, इसका असर ईशान अली पर पड़ गया। भैया चले बीबी को कलेक्टर बनाने, चलो देखते हैं क्या होता है। हमारे गांव में लाइट की बहुत दिक्कत रहती है। इस लड़के को काफी वक्त से देख रहा हूँ, ये है कौन? वो हम, ये मेरा पड़ोसी है।
इतना बुरा सूर्यवंशम में हीरा का भी नहीं कटा था जितना ईशान भाई का कट गया। उस दिन के बाद ईशान भाई ने सोनी मैक्स ही देखना बंद कर दिया। पर एक बात बहुत बुरी हुई, भाई ने उसे पढ़ाया लिखाया कलेक्टर बनाया, पर एंड में उसने क्या कहा, भाई पड़ोसी है मेरा। मतलब इस बात के लिए मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है ईशान भाई के लिए। ये देख रहे हो चश्मा ब्रांड का है, ब्लूटूथ ब्रांड की यूज करता हूँ। ईशान भाई सब ब्रांड का यूज करता है, घड़ी कपड़े पैंट सब ब्रांड का यूज करता है, पर उसका दिमाग उसके आंड में। कॉपी निकाल के रख लो, बिगाड़ू सर आते होंगे। बिगाड़ू सर आ गए, बिगाड़ू सर। अरे भाई माना कि हमने भी टीचर्स के नाम रखे, पर ऐसा कौन नाम रखता है बिगाड़ू सर, मतलब बिगाड़ू। गुड मॉर्निंग सर। पता चला है किसी ने मेरा नाम बिगाड़ू रख दिया है, पता चल गई किसने रखा है तो उसकी चमड़ी उधेड़ दूंगा। वही टेबल पे लेटा के पिछवाड़ा लाल कर साले का। मतलब ऐसा कोई नाम रखता है बिगाड़ू सर, मतलब बिगाड़ू क्या, मतलब ऐसा कोई नाम रखता है क्या टीचर का। तो भाई लोग आज मेरा बर्थडे भी है तो मैं जा रहा हूँ बर्थडे का प्लान करने, तो तुम लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, और इसके बाद ईशान अली पर मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा भाई, इससे ज्यादा जहर मैं देख ही नहीं सकता। तो मिलता हूँ जल्दी।